दोस्तों परसों से शेयर बाजार में ये फाइट देखी है, आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेहतर है कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग बेहतर है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बेहतर है। दोस्तों आप बहुत बार सुनोगे कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत बार सुनोगे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो नए इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट देखूं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट देखूं। आइए दोस्तों हम ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट दोनों की डेफिनेशन समझे और समझने का प्रयास करें कि मिर्चे मेरी स्टाइल के हिसाब से दोनों में से क्या ज्यादा फायदा कारक हो सकता है। चेक करेंगे, दोनों के ड्रॉबैक देखेंगे, दोनों के बेनिफिट देखेंगे। डन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे अपडेट्स आप लोगों को दोस्तों रेगुलरली मिलते जाए। सो यस, आप बताइए दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग फायदा कारक है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग फायदा कारक है, विच वन? दोस्तों बारी बारी दोनों चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? दोस्तों सीधी बात है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड होती है बाजार में। दोस्तों बाजार में कई समय हमें अंडर वैल्यूड सेक्टर या अंडर वैल्यूड कंपनीज मिलती है। जो इन्वेस्टर अंडर वैल्यूड समय, अंडर वैल्यूड सेक्टर या अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढे वो हुए दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द मार्केट कैन बी इनएफिशिएंट इन प्राइसिंग स्टॉक एंड दैट इट इज पॉसिबल टू फाइंड कंपनीज हुज ट्रू वैल्यू इज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन देयर मार्केट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रोच उस आइडिया पे बेस्ड है जो सोचती है कि मार्केट में आपको बहुत सी बार इनएफिशिएंट प्राइसिंग देखी जाती है, बहुत सी बार प्राइस कुछ ज्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों बहुत सी बार जब इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो शेयर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, उसी प्रकार से इन्वेस्टर पेसिमिस्टिक होते हैं फ्यूचर आउटलुक को लेके या करंट आउटलुक को लेके, तो आपको दोस्तों सस्ते प्राइसिंग वाले स्टॉक भी मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर का क्या रोल हुआ दोस्तों? इन्वेस्टर का रोल हुआ कि जब मिस प्राइसिंग हो, जब दोस्तों आपको लगे कि ये स्टॉक, ये कंपनी या ये बाजार अंडर वैल्यूड है, आने वाले समय में दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम मिल सकता है, तो यस दोस्तों ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग जरूर दोस्तों ढूंढ सकते हैं, राइट? पर वैल्यू इन्वेस्टर कौन होते हैं? हर कोई कंपनी जो सस्ती मिल रही है उसे ले ले वो वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों। वैल्यू इन्वेस्टर्स टिपिकली लुक फॉर कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। दोस्तों ज्यादातर कंपनियां अंडर वैल्यूड इसलिए होती है क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सस्ता मिल रहा है वो मैं ले लूं। वैल्यू इन्वेस्टर वो है जो दोस्तों टिपिकली ऐसी कंपनीज देखे जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, सच एज हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ। दोस्तों ऐसी कंपनी जिसकी हिस्ट्री कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ वाली है, दोस्तों कंसिस्टेंट अर्निंग भी है और ग्रोथ भी अच्छा है, ऐसे जगह पे दोस्तों हमें वैल्यू बाइंग ढूंढनी चाहिए। अ सॉलिड बैलेंस शीट हो दोस्तों। सॉलिड बैलेंस शीट किसे कहते हैं दोस्तों? सॉलिड बैलेंस शीट उसे कहते हैं जहां पे करंट रेशियोज आपके फेवरेबल में हो, जहां पे सॉल्वेंसी रेशियोज भी आपके फेवरेबल में हो, यानी कम डेप्थ से हाई एफिशियंट आपकी कंपनी ऑपरेट करती हो। दे ऑल्सो टेंड टू फोकस ऑन कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंपनी वैल्यू इन्वेस्टर ढूंढता है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही हो, बेस्ड ऑन मैट्रिक्स सच एज पीए रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो या डिविडेंड यील्ड। दोस्तों बहुत सी बार आपकी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम भाव पे मिल रही हो, ऐसे समय पे दोस्तों पीई लो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू लो होती है और आपकी डिविडेंड यील्ड हाई होती है। दोस्तों हमने कई बार पास्ट में ऐसी कंपनी के बारे में भी बताया है, जैसे ऐसा समय था जब आपकी इतनी बढ़िया टीसीएस भी दोस्तों कम वैल्यूएशंस पे मिलती थी। क्यों? और बार क्या होता है, इन्वेस्टर करंट ट्रेंड को देख के दोस्तों नेगेटिव होते हैं, तो आपको अच्छी कंपनियां सस्ती मिलती है। एचडीएफसी बैंक में भी पहले हमारी इस पे बात हुई है, एसबीआई भी दोस्तों इसी प्रकार से बिल्कुल सस्ती मिल रही थी। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की कंपनियां भी कई बार दोस्तों ऐसे लेवल पे मिलती है, राइट? तो ऐसे लेवल्स का फायदा उठाना चाहिए। जब आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी, ऐसी कंपनी दोस्तों जिसकी कंसिस्टेंट अर्निंग है, ग्रोथ अच्छा है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके तरफ है और सस्ती मिले दोस्तों, डेफिनेटली दोस्तों ऐसी कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग कैन बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, पर कब? दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग में तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। वैल्यू इन्वेस्टिंग कैन बी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ओवर द लॉन्ग टर्म। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दोस्तों इन पेशेंस या इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर को वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई काम की नहीं लगी। वैल्यू इन्वेस्टर मस्ट बी विलिंग टू होल्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट फॉर इयर्स
or even decades in order to realize their full potential. They must also be willing to ignore short-term market fluctuations and focus on the underlying fundamental of the companies they are investing in. जी दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर को लंबे समय पेशेंस रखना होता है, क्योंकि आपने वैल्यू बाइंग की है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देख के, पर आज सस्ता मिल रहा है उसके पीछे भी कुछ कारण है। दोस्तों सस्ता मिल रहा है उसके कारण जब निकल जाएंगे, यानी मान लो लो ग्रोथ की वजह से सस्ता मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए सस्ता मिल रहा है, राइट। अब वो प्रॉब्लम जैसे धीमे धीमे निकल जाएंगे दोस्तों, आपकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलना ही है दोस्तों, वो वापस से दोस्तों बुलिश हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें दोस्तों रातों रात नहीं होती है, राइट। तो यस फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ओवरऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग कैन बी अ रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू डू देयर होमवर्क एंड रिमेन डिसिप्लिंड इन देयर अप्रोच। वो रोज 52-week हाई नहीं देखते हैं दोस्तों, बाय आइडेंटिफाइंग अंडरवैल्यूड कंपनीज एंड होल्डिंग ऑन टू देम फॉर लॉन्ग टर्म, वैल्यू इन्वेस्टर्स कैन पोटेंशियली अचीव सुपीरियर रिटर्न एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दोस्तों बरसों से आप लोगों ने सुना है वॉरेन बुफे जी का नाम। दोस्तों वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो बड़े वैल्यू बायर है दोस्तों, जब उनको लगता है कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू पे मिल रही है दोस्तों, सस्ती मिल रही है दोस्तों, ऐसे समय पे वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं और उनके सुपीरियर रिटर्न से तो दुनिया वाकिफ ही है दोस्तों, कैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उन्होंने जबरदस्त रिटर्न पाए। सो फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी इन विच इन्वेस्टर्स सीक आउट स्टॉक दैट दे बिलीव आर ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू। दोस्तों इसी का कारण है हम लोग भी आप लोगों को फेयर वैल्यूएशन पे बहुत फोकस कराते हैं, और जब आपका वर्कशॉप होता है दोस्तों हम उस पर बहुत लंबा समय भी लेते हैं। It involves identifying companies whose stock prices are lower than their fundamental value, right? ऐसे समय आते हैं जब आपके strong companies अपने fundamental value से कम भाव पे मिल रही होती, often based on metrics like PE ratio. दोस्तों आपका जो stock है वो travel करता है लंबे समय तक high PE में। उसी प्रकार से वो लंबे समय पे जैसे high PE पे travel कर रहा था, क्यों? क्योंकि current outlook, future outlook positive थी, वैसे ही आपका stock लो पी में ट्रैवल करता है या लो बुक वैल्यू में ट्रैवल करता है। क्यों? करंट सिनेरियो या फ्यूचर सिनेरियो खराब दिखता है तब। ऐसे समय पे दोस्तों आपको डिविडेंड हाई मिलते, जब शेयर हाई पी पे चल रहा था तब डिविडेंड लो मिलते। पर इन्वेस्टर का क्या काम बनता है दोस्तों? यस दोस्तों, ऐसी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को परख ले, समझ ले, जब वापस ग्रोथ आने वाला हो डेफिनेटली वैल्यू बाइंग में एग्रेसिवली एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई वैल्यू बाइंग के उदाहरण हमने वंडरला जैसी कंपनी में भी देखे। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? वैल्यू इन्वेस्टिंग इज असेंशियल बिकॉज इट एम्स टू बाय स्टॉक्स व्हेन दे आर अंडरवैल्यूड, प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एज द मार्केट रिकॉग्नाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट। आने वाले समय में जैसे बाजार को पता चलता है कि अर्निंग इसकी बढ़ चुकी है और लोग इस कंपनी के पीछे पड़ते हैं, उससे पहले दोस्तों वैल्यू बायर अपनी पोजीशंस, अपना स्टेक दोस्तों बढ़ाता रहना चाहिए। ये इसका दोस्तों महत्व है। इट ऑल्सो अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच हेल्प प्रोटेक्ट अगेन डाउनसाइड रिस्क। दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आप इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू पे जब दोस्तों माल को लेते हो, स्टॉक को लेते हो, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी हाई रहती है, रिस्क कम रहता है। पर अगर ऐसे लेवल पे लेंगे दोस्तों, तेजी में ही हम शेयरों को लेने आएंगे दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पे कम रहती है। ऐसे समय पे आपको कैश भी आपके पास रखनी चाहिए दोस्तों। हम कहते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू हैव स्टॉक्स एंड यू नीड टू हैव कैश। अब अगर मैं बिल्कुल नया इन्वेस्टर हूं, मैंने कभी शेयर बाजार में डाला नहीं है, तो मैं वैल्यू बाइंग की वेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यू नीड टू हैव स्टॉक्स एंड यू नीड टू हैव कैश। पर यह पता रहना चाहिए कि यस, ये समय अगर वैल्यू बाइंग का नहीं है तो मेरे पास कैश भी होना चाहिए, ताकि जब मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखे बढ़िया, मैं कैश इन्फ्यूज करके और सस्ते में स्टॉक दोस्तों ले सकूं। दोस्तों यह है आपके फेयर वैल्यूएशंस का, इंट्रिंसिक वैल्यू का चार्ट। यू कैन सी दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बाय जोन्स मिलेंगे, जब कंपनी आपके वैल्यूएशन से भी नीचे मिलती, राइट, फेयर वैल्यू जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इस समय को मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला समय दोस्तों कहते हैं। ऐसे समय पे दोस्तों बाय जोन पे अगर हम बाइंग करते हैं, रिस्क कम रहता है दोस्तों, रिवॉर्ड जबरदस्त मिलता है। पर दोस्तों पेशेंस चाहिए, इन्वेस्टर
इंपेशेंस हो जाते कि मेरे शेयर कब चलेंगे, मेरे शेयर क्यों नेगेटिव है। अगर ये सोचेंगे उनको वैल्यू बाइंग का दोस्तों कभी लाभ नहीं हो सकता। वैल्यू बाइंग का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपको समय भी दोस्तों देना होगा। दोस्तों इसकी यूटिलिटी क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग कैन बी अ कंजर्वेटिव अप्रोच दैट अपील्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर स्टेबल रिटर्न। या दोस्तों ये वैल्यू इन्वेस्टिंग उन इन्वेस्टर के लिए है जो लोग कंजर्वेटिव अप्रोच रख के लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न लेना चाहते हैं। हमें बहुत बार इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं, अरे पीयूष भाई मेरा अभी भी 5 लाख रुपया कैश में पड़ा है, मेरा अभी भी 10% कैश में पड़ा है। दोस्तों वो कैश जरूरी है, क्योंकि जब समय जब अपॉर्चुनिटीज आती है वो कह के नहीं आती है दोस्तों, राइट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन चीजों को धीमे धीमे दोस्तों समझ जाते हैं, राइट। तो यूटिलिटी ये भी है, इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद स्टेडी डिविडेंड पेइंग कंपनीज। दोस्तों आखिर कभी ना कभी दोस्तों आप लोगों को रिटायर होना है, तो दोस्तों ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो हमें स्टेडी डिविडेंड जिंदगी भर देता जाए। इससे बढ़िया और पेंशन प्लान क्या हो सकता है कि मैंने जो एसेट बनाई वो बढ़ती भी जाए और वो मुझे जिंदगी भर अर्निंग भी देती जाए, राइट। सो टू अचीव दिस लेवल यू नीड टू इन्वेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज टाइम। पर इसका ड्रॉबैक क्या है? मैनी अ टाइम सस्ता शेयर ढूंढने में लोग बुरी कंपनियां ले लेते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स वो ही लेने हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और ग्रोथ आपको वहां पे नजर आए। कुछ उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम कंपनी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर। दोस्तों एन इंडियन कंपनी लाइक टाटा मोटर मे बी कंसिडर्ड अ वैल्यू स्टॉक व्हेन इट्स फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, अर्निंग, एसेट्स एक्सेट्रा, बट इट्स स्टॉक प्राइस इज रिलेटिवली लो ड्यू टू हाई डेब्ट एंड इनकंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स, राइट। जब आप इसको मारुति से कंपेयर करते हो जो कि एक डेब्ट फ्री कंपनी है, तो आपको लगता है कि टाटा मोटर बिल्कुल सस्ता है। क्यों लगता है? क्योंकि मारुति में तेजी ज्यादा रहती है, मारुति का पीई हाई रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मारुति डेब्ट फ्री है तो उसको ऑब्वियस है इन्वेस्टर ज्यादा पी देते, राइट। तो ऐसे अलग अलग कंपनी को समझना चाहिए। सिर्फ सस्ता, सिर्फ वैल्यू देख के टूट नहीं पड़ने का, दोनों चीज देखो दोस्तों कि क्यों कोई चीज सस्ती मिल रही है, राइट। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसे फर्स्ट इज ITC। ITC is a diversified conglomerate with business in cigarettes, FMCG consumer, FMCG products, bottles, paper boards, and more. It's often considered a value stock due to its consistent earning and dividend history. Yeah, दोस्तों ये कंपनी दशकों से दोस्तों प्रॉफिटेबल है, पर दोस्तों कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होने के कारण दोस्तों ये कंपनी बहुत चलती नहीं थी। जैसे हिंदुस्तान लीवर का मार्केट कैप ज्यादा हुआ करता था, किसी का नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान लीवर भी क्वालिटी या ITC भी क्वालिटी, पर हिंदुस्तान लीवर का ग्रोथ जबरदस्त था, ITC का ग्रोथ हिंदुस्तान लीवर जैसा नहीं था, क्योंकि ITC में जो टोबैको बिजनेस है ये दोस्तों नीचे खींचता था। तो लो ग्रोथ होने के कारण दोस्तों ITC जनरली आपको सस्ती मिलती थी। अब जैसे ग्रोथ दोस्तों ये कंपनी ने हासिल किया, दूसरी FMCG की प्रोडक्ट से आप देख रहे हो ITC भी अब वापस से दौड़ने लगी, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर कोई वैल्यू बाइंग पे है तो भी क्यों है और उसके ड्रॉबैक क्या है। दोस्तों हिंदुस्तान लीवर जो कि हमने अभी बात की इज अ लीडिंग FMCG कंपनी, इट्स नोन फॉर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो एंड मार्केट प्रेजेंस। या दोस्तों कई ब्रांड इस कंपनी के पास है। अब अभी मैंने बताया कि इसका ग्रोथ अच्छा था, पर अच्छा किससे कंपेयर करके? ITC के मुकाबले अच्छा था। हिंदुस्तान लीवर को जब आप इंडियन मल्टीनेशनल से कंपेयर करोगे तो दोस्तों ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन मल्टीनेशनल ज्यादा बढ़िया ग्रोथ करती है, HUL एवरेज ग्रोथ करता है, पर दोस्तों ये कंपनी टैप फ्री है, कंसिस्टेंट डिविडेंड की हिस्ट्री है, मैच्योर कंपनी है, आपको ज्यादा डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी का दोस्तों पी हाई रहता है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों दिस इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इट्स कंसिडर अ वैल्यू स्टॉक ड्यू टू इट्स वाइड कस्टमर बेस एंड रोल इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। दोस्तों ये सबसे बड़ी भारतीय बैंक है, खाली पब्लिक नहीं, प्राइवेट पब्लिक दोनों गिनो तो भी SBI दोस्तों सबसे बड़ी है इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन द टर्म्स ऑफ इनकम। मार्केट कैप में HDFC बैंक का इससे ज्यादा मार्केट कैप है, राइट। क्यों? कारण सिंपल है दोस्तों, क्योंकि HDFC बैंक ज्यादा ग्रोथ करता है 20%, SBI 10% से ग्रोथ करता है, राइट। तो ग्रोथ कम होने के कारण ये जनरली वैल्यू बैंक रहता है। बीच में कुछ समय ऐसा था जब दोस्तों गवर्नमेंट बैंक सब लॉस करती थी, तो वो समय पे दोस्तों आपको SBI ऐसे लेवल पे मिलता था जहां पे दोस्तों आपका डिविडेंड फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा आगे बढ़ रहा था। तो यस दोस्तों ये वैल्यू बाइंग का एक उदाहरण था, और ऐसे वैल्यू बाइंग के फायदे उठाने चाहिए।
अब दोस्तों एसबीआई खाली बैंक ना रहते हुए दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, क्रेडिट कार्ड सब में आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ भी हमें अच्छा मिलेगा। टाटा मोटर जिसकी अभी हमने बात की दोस्तों, टाटा मोटर सबसे बड़ी कंपनी है कॉमर्शियल व्हीकल की, अगर पैसेंजर व्हीकल में आप गिनो तो भारत की तीसरे नंबर की कंपनी। दोस्तों ग्रोथ इनका जबरदस्त रहता है, फंडामेंटल्स अच्छे है, लेकिन दोस्तों डेप्ट बर्डन हाई है, जिसके कारण दोस्तों टाटा मोटर आपको वैल्यू बाइंग पे मिलता है। अब दोस्तों आने वाले 4-5 साल दोस्तों ऑटोमोबाइल के अच्छे है, तो ऐसे केस में टाटा मोटर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा, राइट। एनटीपीसी ये एक सबसे बड़ी दोस्तों पावर यूटिलिटी की कंपनी है, दोस्तों ये भी एक वैल्यू बाइंग गिनी जाती है, पर दोस्तों एनटीपीसी में ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, राइट। तो ये एक एवरेज ग्रोथ की कंपनी हुई, पर वैल्यू बाइंग की नाम लिया जाता है तब एनटीपीसी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी अच्छी रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट होती है, पर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते हो। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड इज अ गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटी कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ट्रांसमिशन इन इंडिया। यस दोस्तों ये एक वैल्यू बाइंग है, इट्स कंसिडर अ वैल्यू स्टॉक ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड डिविडेंड पेमेंट। बिल्कुल सही दोस्तों, पावर ग्रिड के केस में दोस्तों हमें ग्रोथ एनटीपीसी से ज्यादा मिल सकता है, राइट। तो ग्रोथ भी मिलेगा, वैल्यू बाइंग भी हुई। इंफोसिस, दिस इज अ लीडिंग आईटी सर्विस कंपनी, इट्स ऑफन सीन एज अ वैल्यू स्टॉक व्हेन इट्स वैल्यूएशन मेट्रिक्स आर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। वैसे दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी को ग्रोथ इंफोसिस से ज्यादा मिलता है, तो टाटा कंसल्टेंसी हमेशा वैल्यूएशन में इंफोसिस से तो ज्यादा हाई रहेगी, क्योंकि वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा है, राइट। ऐसे दोस्तों आपके पेट्रोलियम की कंपनी हुई, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां, राइट। सो दिस आर मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज ऑफ इंडिया, इट्स कंसिडर अ वैल्यू स्टॉक ड्यू टू इट्स प्रेजेंट इन अ स्टेबल इंडस्ट्री। स्टेबल इंडस्ट्री मतलब धंधा मिलता जाएगा पर प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू बाइंग है। क्यों वैल्यू बाइंग हुआ? सस्ता है, पर दोस्तों सस्ता है जरूरी नहीं अच्छा है, यहाँ पे दोस्तों जरूरी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट मिलेगी, राइट। एनटीपीसी में जैसे हमने बात की ग्रोथ की कमी होती, वैसे बीपीसीएल में प्रॉफिटेबिलिटी की कमी होती है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों लिस्ट में जो वैल्यू बाइंग में हो वो सब मैं लूंगा तो मुझे दोस्तों ग्रोथ मिलेगा, हरगिज नहीं दोस्तों। मुझे वैल्यू के साथ ग्रोथ भी देखना चाहिए, तब दोस्तों हमारी बनती है लॉन्ग टर्म वेल्थ। व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग? दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी दैट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर। सीधा मतलब है दोस्तों ऐसी कंपनीज या ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे हाई ग्रोथ की उम्मीद होती है उसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग दोस्तों कहते हैं। दिस कंपनीज आर ऑफन इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड देयर लॉट ऑफ रूम फॉर एक्सपांशन। जैसे आज रिन्यूएबल सेक्टर है दोस्तों, तो ये ग्रोथ सेक्टर है, आपको रिन्यूएबल में वैल्यू बाइंग जल्दी नहीं मिलेगा। वैसे ड्रोन सेक्टर क्या कहेंगे इसे, ये सब अर्ली डेवलपमेंट पे है, यहाँ पे एक्सपांशन का रूम ज्यादा होता है, आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है जबरदस्त, राइट। अदानी की कंपनियां क्यों जबरदस्त ग्रोथ करती है? क्योंकि वो लोग ज्यादातर ऐसे सेक्टर में है जो ग्रोथ सेक्टर है। सो कंपनियां दोस्तों अर्ली स्टेज में होने के कारण उनके पेनेट्रेशन के चांसेस होते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के चांसेस होते, रीच के चांसेस होते, और आपके कंपनी को ग्रोथ मिलता है। सो ग्रोथ इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू टेक ऑन मोर रिस्क इन द होप्स ऑफ अचीविंग हायर रिटर्न इन द लॉन्ग रन। आप दोस्तों अगर ग्रोथ इन्वेस्टर हो और आप उम्मीद करते हो कि मुझे अभी डिविडेंड मिलने चालू हो जाए, मुझे अभी से अच्छी इनकम होना चालू हो जाए, तो ये हमारी उम्मीद गलत है। वो किधर उम्मीद करने का? वैल्यू वाली कंपनियों, क्योंकि वैल्यू बाइंग में ज्यादातर कंपनियां मैच्योर होती है दोस्तों। मैच्योर कंपनीज आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, अच्छे डिविडेंड यील्ड देती है। मैच्योर कंपनी में पैसे स्टेक होल्डर को लेने का टाइम होता है, पर ग्रोथ सेक्टर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के सेक्टर या कंपनीज में स्टेक होल्डर को पैसा लगाता रहना पड़ता है, उनको डिविडेंड इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, राइट। जैसे आप डीमार्ट का उदाहरण ले लो, डिविडेंड नहीं आते। एफएल का उदाहरण ले लो, डिविडेंड नहीं आते। क्यों? ये सब ग्रोथ कंपनीज है। जोमेटो का उदाहरण ले लो, 50-50% से दोस्तों ये लोग ग्रोथ करते हैं, पर डिविडेंड कैसे आएंगे? कम दोस्तों आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमें उम्मीद भी नहीं रखने की, उम्मीद भी वैसी रखे जो प्रॉपर है। सो टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ग्रोथ कंपनीज, इन्वेस्टर्स ऑफन लुक एट अ फैक्टर सच एज रेवेन्यू ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हम कैसे माने कि ये कंपनी या ये सेक्टर ग्रो कर रहा है? दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ अगर बढ़ता है तो यानी धंधा बढ़े तब, दोस्तों धंधा बढ़ने के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि अर्निंग भी बढ़े, राइट। पर वो जरूरी नहीं है उम्मीद हर बार सही उतरेगी। रेवेन्यू ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्निंग ग्रोथ बढ़ता रहे देन दैट्स ग्रेट, और मार्केट शेयर तो दोस्तों बढ़ता रहना चाहिए। दोस्तों अंदाजा लगाओ कि आपका सेक्टर बढ़ता जा रहा है पर आपकी जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है,
उसका क्या मतलब हुआ? सेक्टर 15% से बढ़ रहा है, आपकी कंपनी खाली 10% से बढ़ रही है, दैट्स बैड। दोस्तों होना क्या चाहिए, आपका सेक्टर एक्सपांड अगर हो रहा है, मान लो 12% से ग्रो कर रहा है, तो आपकी कंपनी 15% से ग्रो करनी चाहिए, बिकॉज दे आर गेनिंग देयर मार्केट शेयर। सो दीज आर फ्रेंड्स ग्रोथ कंपनीज। दिस कंपनीज मे बी इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और हैव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट ट्रेडिशनल मार्केट्स, राइट? कैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आई बड़ी बनी, कैसे फूड एट होम इंडस्ट्री आई बड़ी बनती जा रही, कैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री आई बड़ी बनी, कैसे खुद आईटी इंडस्ट्री आई बड़ी बनी, फिनांस बनता जा रहा है बड़ा, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दोस्तों ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज दोस्तों आती है बड़ी बनी। अगर हम वहां पे निवेश करते फायदा होता है। होवेवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल ग्रोथ कंपनी सक्सीड। अब ये तो बात है दोस्तों, जरूरी नहीं है हर ग्रोथ कंपनी सक्सीड हो। जैसे ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्री थी वो जबरदस्त ग्रोथ की थी, पर उसमें जो कंपनियां बढ़ रही थी दोस्तों इतना डेब बर्डन लेते जा रहे थे कि फायदा ही नहीं हुआ। सिमिलरली दोस्तों एडिबल ऑयल की कंपनियां थी जिसमें रुचि सोया जैसी कंपनियां आती थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी पर डेब बर्डन के कारण दोस्तों कंपनियां सक्सीड नहीं हुई, राइट? तो ये होगा, हमें देखना होगा दोस्तों। ग्रोथ फायदा दे सकता है कंपनी को, इंडस्ट्री का ग्रोथ, पर कंपनी भी कैपेबल होनी चाहिए। आपने मनपसंद का भी नाम सुना होगा, बेवरेजेस की कंपनी, बेवरेजेस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, पर मनपसंद ग्रोथ ले पाई पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाए दोस्तों और गड़बड़ी में चले भी गए, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट द कंपनी विल नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। दोस्तों आईटी बड़ा, टीसीएस को फायदा हुआ, फिनांस बड़ा, बजाज फिनांस को फायदा हुआ, बैंकिंग बड़ा, एचडीएफसी को फायदा हुआ, ऐसे कई उदाहरण है, पर हर एक कंपनी सफल हो ये भी तो जरूरी नहीं है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज पॉपुलर स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके लिए दोस्तों आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हु आर विलिंग टू बी पेशेंट एंड होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट फॉर सेवरल ईयर्स और इवन डिकेड्स। तो क्या बुरी बात है दोस्तों, आपका पैसा मान लो 10 साल रहा, 10 साल आपको पैसे भी तो आते गए और बढ़ते गए, तो ऐसा नहीं है 10वें साल ही फायदा है, 10 साल आपके बैंक में पैसे आए बढ़ते बढ़ते, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। दशक तक अगर ये लोग कहते हैं लंबे इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त फायदा चाहिए दोस्तों, टाइम देना होगा, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को बुढ़ा होकर ही फायदा मिलना है दोस्तों। टाइम दे रहे हैं पर पूरे समय पे बैंक में पैसा आ रहा है, तो शेयर बाजार को ऐसा मत समझो कि मेरे को 10 साल बाद ही फायदा होने वाला है, बेनिफिट्स तुरंत दोस्तों होने लगते हैं, वो कम होते हैं धीमे धीमे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स द क्वालिटी एनालिसिस। मैंने अभी आपको कुछ बुरी कंपनियों के भी उदाहरण दिए कि ग्रोथ हुआ पर वो लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए, तो यहाँ पे ही दोस्तों हम एंट्री होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस की या क्वालिटी एनालिसिस की। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू थरो रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी रिगार्डलेस ऑफ इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, राइट? तो रिसर्च करें दोस्तों। एक टूरिज्म इतना ग्रो हो रहा था पर एक कंपनी ऐसी भी थी जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई, राइट? तो ये हो सकता है अगर हम क्वालिटी का ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। हमारी कंपनी का शेयर बढ़ता रहना चाहिए क्वालिटी वाइज, कम पैसे से हाई एफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसी कंपनी लेंगे तो दोस्तों ग्रोथ करेगी और आपको मौके मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे वैल्यू बाइंग के। ग्रोथ इन्वेस्टिंग फोकस इज ऑन कंपनीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस रैपिड रेवेन्यू and earnings growth in the future. Investors in growth stocks are willing to pay a premium for these companies based on their anticipated future performance. दोस्तों ज्यादातर आप देखोगे growth companies value buying के जल्दी नहीं मिलेगी, मुश्किल से 9-10 सालों में एक दो बार मौका मिलता है जब आपको growth company अभी value buying पे मिलती है, right? तो generally ये लोग value buying पे मिलते नहीं है क्योंकि इसको premium मिलता है, जो ज्यादा अच्छा उसको ज्यादा premium. So important क्या है दोस्तों, growth investing is important. Because it targets companies with high potential for capital appreciation. दोस्तों आखिर ग्रोथ कब मिलेगा, आपका कैपिटल appreciate कब होगा, जब आपकी कंपनी के धंधे प्रॉफिट बढ़ेंगे। It's often associated with innovative, disruptive industries where companies reinvest their earnings for expansion. Right, friends? So growth investing can be attractive to investors seeking higher risk and potentially higher reward. दोस्तों growth investing अट्रैक्टिव लग सकता है, ये कंपनियां दौड़ती भी बहुत है पर रिस्क भी रहता है दोस्तों, क्योंकि इनके प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत ठिकाने नहीं होते, जब कोई बुरा समय आता है ये गिरते भी बहुत, राइट? इन सब चीजों को समझना होगा। अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक इन इंडिया वुड बी इन्फोएज। देखो इन्फोएज को एक ग्रोथ कंपनी बोलेंगे कि नहीं, जबरदस्त ग्रोथ किया इन लोगों ने दोस्तों, हमारा ध्यान इस कंपनी पे सिंस आईपीओ था। कैसे naukri.com दोस्तों एक ब्रांड बनी और जबरदस्त ग्रो किया, 99 acres ग्रो किया, राइट? ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ब्रांडेड प्लेटफॉर्म्स है और कंपनी का सेल्स भी जबरदस्त बढ़ा, तो कंपनी ने कमा के भी ऐसा दिया, पर वॉलेटिलिटी भी ऐसी रहती है दोस्तों,
investors in Info Edge are betting on the growth of the Indian online job and real estate markets, दोस्तों, right? ये value buying नहीं है, ये growth buying कहेंगे, right? वैसे ही Zomato क्या कहेंगे? Value buying, बिल्कुल नहीं, growth buying, all right? तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए, right? जैसे Reliance Industries, अब Reliance Industries को कैसे हम growth buying कह सकते? कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी Reliance Industries growth buying इसलिए है क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जो मैच्योर कंपनी है, पर फिर भी इन्होंने ग्रोथ कंपनीज में निवेश करके आज ग्रोथ सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं. रिलायंस इज अ डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट विद बिजनेस इन पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग. सो पेट्रो एंड रिफाइनिंग इज नॉट अ ग्रोथ सेक्टर, बट टेलीकॉम्युनिकेशंस, खास करके जिसमें ये लोग डील किया, हाई ग्रोथ. एंड रिटेल धमाकेदार ग्रोथ है दोस्तों. इट्स ऑफन कंसिडर अ ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स एम्बिशियस एक्सपांशन प्लान एंड इन्वेस्टमेंट इन इट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अभी ये लोग फिनांस में भी आ रहे हैं, फिनांस में भी जोरदार ग्रोथ करेंगे, राइट? टीसीएस, this is one of largest IT service companies in India. Just आप सोचो दोस्तों, जैसे हमने Reliance Retail की बात की, कि दोस्तों जब रिटेल का धंधा बहुत होता नहीं था, तब से Reliance business में है और आज जैसे रिटेल बड़ी इंडस्ट्री बनी, Reliance को भी फायदा हुआ. सिमिलर वे में जब IT नहीं था, एक छोटी इंडस्ट्री थी, तब से TCS है. अब आज IT अगर 25-30 लाख करोड़ का दोस्तों धंधा करने लगे है, एक्सपोर्ट करने लगे, तो TCS भी बड़ी बनके 2.5 लाख करोड़ की हो गई. ग्रोथ इनको जबरदस्त मिलता है, राइट? इट्स सीन एज अ ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स ग्लोबल एक्सपांशन एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द आईटी सोर्सिंग इंडस्ट्री. सिमिलर वे में दोस्तों, व्हाट इज एचडीएफसी बैंक? दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक. एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक. इट्स कंसिडर्ड अ ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एक्सपांशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. दोस्तों 18% कगार ग्रोथ से एचडीएफसी बैंक ने ग्रो किया पिछले 15 सालों में. सिमिलर टीसीएस ने भी दोस्तों यही ग्रोथ हासिल की. बजाज फाइनेंस दोस्तों 20% ग्रोथ. रिटेल फाइनेंस इंडिया में जैसे बड़ा बना, बजाज को फायदा हुआ. बजाज फाइनेंस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट प्रोवाइड्स कंज्यूमर फाइनेंस, एसएमई लोन्स एंड मोर. इट्स ऑफन सीन एज ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स रैपिड लोन बुक एक्सपांशन एंड मार्केट पेनेट्रेशन. अब आप बोलो ये सस्ता चाहिए, सस्ता मिलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ ही जबरदस्त रहता है, राइट? अदानी ग्रीन दोस्तों, ये भी ग्रोथ स्टॉक क्योंकि ये कंपनी का ग्रोथ ही जबरदस्त होता है. अदानी ग्रीन एनर्जी इज पार्ट ऑफ द अदानी ग्रुप एंड फोकसेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. दोस्तों आने वाले समय का ये सेक्टर है, हालांकि ये सेक्टर में कुछ क्वालिटी कंपनी इतनी अच्छी अभी भी नहीं है, राइट? इट्स कंसिडर्ड अ ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स रोल इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर. कैसा ग्रो कर रहा है दोस्तों? 30% का ग्रोथ, राइट? तभी ये दौड़ता है, पर वॉलेटिलिटी कैसी? क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल नहीं, हाई डेट बर्डन वाली कंपनी. सी एंटरटेनमेंट, सी एंटरटेनमेंट इज अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी. दोस्तों जब चैनल नाम से नहीं थी भारत में, खाली एक चैनल आती थी दूरदर्शन, तब से लेके जो चैनल का जबरदस्त ग्रोथ हुआ दोस्तों, जी ने इसका पूरा फायदा उठाया, राइट? तो जी को फायदा हुआ, बट अगेन जी वॉज नॉट सो मच हाई क्वालिटी कंपनी जिससे इन्वेस्टर को इतना वैल्यूएशन नहीं हुई, राइट? टाइटन दोस्तों ये ग्रोथ स्टॉक है, क्वालिटी भी है. एप फ्री कंपनी इतना तगड़ा ग्रोथ करने के बावजूद कैसे रह सकती है? ह्यूज ग्रोथ. टाइटन इज अ लीडिंग इंडियन कंपनी इन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन ज्वेलरी एंड वॉचेस, राइट? ये थी खाली वॉचेस की कंपनी, ज्वेलरी में डाइवर्सिफाइड हुई और आज धमाकेदार ग्रोथ कर रहे हैं. इट्स ऑफन कंसिडर्ड अ ग्रोथ स्टॉक ड्यू टू इट्स ब्रांड स्ट्रेंथ. दोस्तों कितनी ही बढ़िया ब्रांड इन्होंने भारत को दी. एंड एक्सपांशन प्लान, हर क्वार्टर में आप देखोगे कितने ही रिटेल स्टोर ये लोग ओपन करते जा रहे हैं. सो क्वालिटी भी है, ग्रोथ भी है, तो इन्वेस्टर भी कमाए. UPL, फ्रेंड्स, UPL इज अ ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी. दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी एग्रो कंपनी है, सबसे बड़ी. इट्स सीन एज अ ग्रोथ स्टॉक. ये ग्रोथ स्टॉक है क्योंकि इन्हें दुनिया भर में दोस्तों धंधा किया, पर क्वालिटी में इनको इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, हाई डेट बर्डन है. इसी वजह से दूसरी कुछ कंपनियां हैं एग्रोकेम में जो इनसे छोटी है, पर इन्होंने ज्यादा कमा के दिया, जैसे PI इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. सो UPL इज सीन एज अ ग्रोथ स्टॉक व्हेन इट एक्सपांड्स इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट? जब आप पैसा लगाओ, दोनों देखो दोस्तों, वैल्यू बाइंग के मौके मिलेंगे, पर हर महीना आप बोलो जब मैं लेने आऊं वैल्यू बाइंग हो, ये होगा नहीं. ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक दोस्तों एक लाइन होती है ग्रोथ स्टॉक की, ऐसे ग्रोथ स्टॉक कलेक्ट करो और उसमें वैल्यू बाइंग के अपॉर्चुनिटीज देखो. पर एक चीज का ध्यान रखें, ग्रोथ स्टॉक क्वालिटी होने चाहिए. अगर ग्रोथ क्वालिटी नहीं होंगे तो जैसे कई ग्रोथ कंपनियों ने धोखा दिया है वैसे हो भी सकता है, राइट? सो व्हाट वी लर्नड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजीज एंड मेनी इन्वेस्टर्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ बोथ वैल्यू
एंड ग्रोथ इन टू देयर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। दोस्तों हम भी हमारे इंडिया फ्रंट रनर फंड जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है दोस्तों, उसमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं दोस्तों। ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, क्वालिटी देख के ऐसी कंपनियों में दोस्तों पैसा लगाते हैं। वैल्यू बाइंग किसको करनी होती है? वैल्यू बाइंग दोस्तों इन्वेस्टर को करनी होती है। जब जब मौके दिखे इन्वेस्टर्स अगर फंड इन्फ्यूज करेंगे तो वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, राइट? सो नाउ एडिशनली इन्वेस्टिंग ऑलवेज कैरीज रिस्क, उसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। सो थ्रू रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एंड मार्केट कंडीशंस आर क्रूशियल रिगार्डलेस ऑफ द अप्रोच टेकन, राइट? दोस्तों द स्टॉक मार्केट वे 5 Steps Toward Wealth की बुक लॉन्च हो चुकी है और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने पहले ही मैंने इसे टॉप सेलिंग में पहुंचा दिया है। अभी भी अगर आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है दोस्तों, सारी जगह पे अवेलेबल है, Amazon पे, Flipkart पे, Nation Press पे, तो ऑर्डर करें आज ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद।